डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेड्स मेजर्स। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हीप सॉर्ट, और इस वीडियो में हम हीप सॉर्ट से रिलेटेड गाइस जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे, जो आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्जाम्स, इंटरव्यूज कहीं पे भी आपको पूछ लें आप इजिली आंसर कर सकते हो। तो गाइस फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने नहीं किया, और अगर कर भी दिए तो और डिवाइसेस से सब्सक्राइब करवा सकते हो शेयर करके, सब्सक्राइबर्स बहुत जरूरी हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हीप सॉर्ट। गाइस हीप सॉर्ट से पहले मैं आपको बता दूं, मैंने इसीलिए जानबूझ के हीप सॉर्ट को बाद में करवाया। क्यों? क्योंकि जब हम हीप सॉर्ट करते हैं ना कि हीप सॉर्ट एक्चुअल में कैसे काम करता है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले बिल्ड हीप आना चाहिए, मतलब हीप को कैसे बनाते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं हीप के अंदर डेटा, और फिर डिलीशन आना चाहिए। अगर आपको हीप क्रिएट करना और हीप में से डिलीट करना आता है तभी आप हीप सॉर्ट को समझ सकते हो। तो इसीलिए पहले वो वीडियो जरूर चेक कर लेना, क्योंकि उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, सजेस्टेड वीडियोस में भी आपको दे रखा है, ताकि आपको हीप सॉर्ट इजीली क्लियर हो सके। तो देखो मैं छोटे से एग्जांपल से, बढ़िया से एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, ताकि आपको सारे एस्पेक्ट जो है वो क्लियर हो जाए। यहां पे हमें जो है वो वैल्यूज दे रखी है, कीज दे रखी है, इन कीज को हमें करना क्या है, सॉर्ट करना है। मतलब ये हमारा इनपुट हो गया, आउटपुट मुझे बनाना है। और आउटपुट क्या होना चाहिए, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूं कि आउटपुट यहां पे क्या होना चाहिए। सबसे छोटा कौन सा है, 2, 2 के बाद कौन सा है, 4, फिर 6 है, फिर 9 है, और फिर 10 है। ठीक है ना, हमें सॉर्ट करना है इसको। यहां पे हमें सॉर्ट कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, लेट से असेंडिंग डिसेंडिंग आप कैसे भी कर सकते हो। लेट से मुझे ये आउटपुट चाहिए। अब इस आउटपुट को बनाने के लिए मैं हीप सॉर्ट को यूज कर रहा हूं, तो हीप सॉर्ट में सबसे पहले आपको हीप बनाना पड़ेगा, और हीप बनाने के लिए आप हीपीफाई बिल्ड हीप मेथड यूज कर सकते हो। तो बिल्ड हीप मेथड जो है वो मैं यूज कर रहा हूं, जो मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है कि ऑर्डर ऑफ एन टाइम में हम हीप क्रिएट कर सकते हैं। कैसे करनी है हीप आपको, सिंपली आप सबसे पहले बना लो, जैसे 4, 6, 10, बिना कुछ सोचे समझे पहले बना लो, मतलब 4 आ गया, उसके बाद 6, फिर 10, वही ACBT ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री वाला फंडा। पहले लेफ्ट में भरेंगे, फिर राइट में भरेंगे, जब लेवल भर जाएगा फिर नेक्स्ट लेवल में जाएंगे, फिर लेफ्ट में भरेंगे, राइट में भरेंगे, वही वाला। तो 4 आ गया, फिर 6 आ गया, 10, लेवल भर गया। अब फिर नेक्स्ट लेवल में नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, यहां पे 9, और उससे नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है, यहां पे 2। तो ये मेरा एक तरह से क्या होगा, मैंने सिंपली यहां पे हीप बनाया। लेकिन ध्यान रखना ये हीप आइदर मैक्स हीप बनाना चाहिए और मिन हीप होना चाहिए। तो लेट से मैं मिन हीप बनाता हूं इसको। मिन हीप बनाएंगे तो आपका एक तरह से असेंडिंग में आउटपुट आएगी, अगर आप मैक्स हीप बनाओगे तो डिसेंडिंग में आएगी। तो आपको जो आउटपुट चाहिए आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो सेम ही आनी है, फंडा तो सेम ही है। तो लेट से मैं इसको मिन हीप में कन्वर्ट करता हूं। तो मिन हीप में कन्वर्ट करने के लिए आपको करना क्या है, सिंपली इसको हीपीफाई करना है। अब हीपीफाई करते वक्त देखो ये आपका क्या है, लीफ है, लीफ है, और लीफ है, लीफ को नहीं छेड़ना, लीफ आपका एज इट इज है। हमने जो है नॉन लीफ, नॉन लीफ कौन सा है आपका, 6। अब इस 6 को मुझे क्या करना पड़ेगा, सेट करना पड़ेगा। तो 6 को मैंने कंपेयर किया 9 और 2 से, तो छोटा कौन सा है, 2। 2 कहां पे आ गया, ऊपर आ गया, और 6 कहां पे चला गया, नीचे चला गया। तो एक तरह से इस तरीके से बन गया, 4 यहां पे है, 2 ऊपर आ गया, ये 10 एज इट इज है, ये 9 एज इट इज है, और ये 6 कहां पे आ गया, नीचे आ गया। गेटिंग द पॉइंट, 2 ऊपर चला गया, 6 नीचे आ गया। अभी ये मिन हीप बन गया नहीं, अभी भी ये मिन हीप नहीं है, अभी मुझे इस वाले को सेट करना पड़ेगा। तो इस वाले को सेट करने का मतलब है 2 को मैं ऊपर ले जाऊंगा, 4 को मैं नीचे ले आऊंगा। तो 2 मेरा कहां पे चला गया, ऊपर चला गया, 4 इसकी पोजीशन पे आ गया 2 वाली पे, 10 एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, 9 एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है, 6 एज इट इज कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइज लो जी आपका मिन हीप बन गया। क्या बन गया, मिन हीप। कैसे पता लगा, जो पेरेंट है एक तरह से आप कह सकते हो, जो रूट है वो सबसे छोटा एलिमेंट है, यस, और जो भी पेरेंट है वो अपने चाइल्ड से क्या है, छोटा। तो पेरेंट जो है वो चाइल्ड से क्या है, छोटा। तो ये मेरा जो है वो मिन हीप की प्रॉपर्टी। अब याद रखना एक बार मैं फिर से बता दूं, यहां पे मैंने बिल्ड हीप मेथड यूज किया है, हीपीफाई मेथड यूज किया है, ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेता है, मतलब इसको बनाने के लिए मेरा कितना टाइम लगा, ऑर्डर ऑफ एन टाइम यहां पे लगा। तो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि भैया दो मेथड होते हैं, एक 1/1 की इंसर्शन से, एक बिल्ड हीप से। तो 1/1 करते हो मतलब आपने पहले एक को किया, फिर दूसरे को, फिर रीअरेंज किया, फिर तीसरे को ऐड किया, फिर रीअरेंज किया। तो अगर आप वो वाला मेथड यूज कर रहे हो तब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन हो जाती है, अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। अदरवाइज ये वाला मेथड ज्यादा बेटर है, ऑर्डर ऑफ एन। और मैंने दोनों ही एक्सप्लेन किए हुए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लो जी नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। मिन हीप आपके पास बन गई है,
अब हमें क्या करना है, इसको एक एक करके डिलीट करने है एलिमेंट्स को, ताकि हम फाइनल आउटपुट में कन्वर्ट कर सकें। तो देखो डिलीट करते वक्त आपको क्या करना है, रूट से डिलीट करना है। तो रूट हमारा सबसे पहला क्या है, 2। तो 2 को डिलीट कर दिया, यहां पे मैंने लिख दिया 2, मतलब 2 जो है वो डिलीट हो गया, बाहर मैंने एरे में डाल दिया, लेट से 2 यहां पे मैंने डाल दिया। अब देखो 2 अगर मैं यहां से हटाता हूं, एक तरह से इसका सिर हमने हटा दिया, इसकी मुंडी यहां से हटा दी, तो भैया ऐसे तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। करना क्या पड़ेगा अब मुझे बिल्कुल लास्ट लेवल पे जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको ऊपर लेके जाना पड़ेगा, लास्ट लेवल पे राइट मोस्ट एलिमेंट, मतलब 6 जो है वो एक तरह से ऊपर चला गया। गेटिंग द पॉइंट, अब 6 जो है वो ऊपर चला गया और 2 मेरा बाहर आ चुका है, 2 मैंने यहां पे लिख लिया, 6 मेरा यहां से कट के ऊपर चला गया। बट क्या ये मिन हीप बनी हुई है? नहीं, अभी ये मिन हीप नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 छोटा है, चाइल्ड छोटा है, तो चाइल्ड भैया अगर छोटा है तो गड़बड़ है। तो चाइल्ड को मैं ऊपर ले गया, मतलब 4 को ऊपर ले गया, पेरेंट को जो 6 बड़ा था उसको नीचे। तो लो जी ये बन गया यहां पे 4 और ये बन गया 6, ये 10 एज इट इज और ये 9 एज इट इज। अब ठीक है अब फिर हमने क्या किया, रूट को हटा दिया, 4 एक तरह से बाहर आ गया। नीचे वाले लेवल में राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है? सबसे नीचे वाले लेवल में राइट मोस्ट 9 है, 9 को हम कहां पे ले गए, ऊपर ले गए, 9 को हम ऊपर ले गए। तो क्या ये मिन हीप है? नहीं। तो इसको फिर से हीपीफाई किया, रीअरेंज किया, तो ये 6 यहां पे आ गया, 9 नीचे आ गया और लो जी 10 मेरा यहां पे आ गया। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, 6 को यहां से हटा दिया, 6 मेरा डिलीट हो गया, बाहर आ गया, और फिर जो राइट मोस्ट एलिमेंट है उसको ऊपर ले गए, मतलब 10 को हम ऊपर ले गए। क्या ये मिन हीप है? नहीं। तो मैंने मिन हीप बनाने के लिए 9 ऊपर गया और 10 नीचे आ गया, ठीक है ना, रीअरेंज कर दिया इसको ताकि मेरी मिन हीप बनी रहे। अब देखो 9 को डिलीट कर देते हैं, 9 को डिलीट करने के बाद आपका 10 ऑब्वियसली लास्ट एलिमेंट है, वो लास्ट में ऐड हो जाएगा। तो हमने किया क्या, एक एक करके डिलीट किया। तो इस तरीके से हमारा देखो जो इनपुट था और आउटपुट जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। सो दिस इज हाउ हीप सॉर्ट एक्चुअली वर्क्स। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लो, हीप को बनाने में मेरा कितना टाइम लगा, हीप को बनाने में कितना टाइम लगा, मैं पहले ही बता चुका हूं, एन लॉग एन अगर एक एक करके इंसर्ट करते हो, ऑर्डर ऑफ एन अगर हम हीपीफाई या बिल्ड हीप मेथड यूज करते हैं, तो ऑब्वियसली वो वाला मेथड यूज करो जो कम टाइम लेता है। कम टाइम कौन सा है? ऑर्डर ऑफ एन। तो बनाने में कितना टाइम लगा? ऑर्डर ऑफ एन। और डिलीट करने में कितना टाइम लगा? ये मैं ऑलरेडी डिलीशन में बता चुका हूं कि एक नोड को अगर मैं डिलीट करता हूं तो उसको मेरे को कितना टाइम लगता है, एक नोड को डिलीट किया फिर नेक्स्ट को लेके आए, रीअरेंज किया, लॉग एन टाइम लगता है। तो एन नोड्स को डिलीट करोगे तो कितना टाइम लगेगा? एन लॉग एन टोटल टाइम लगेगा डिलीट करने में, ठीक है ना। ये तो 5 एलिमेंट्स को मैंने करके दिखाया, अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो ऑब्वियसली एन लॉग एन, क्योंकि एक एलिमेंट को डिलीट करने में लॉग एन, तो एन एलिमेंट्स को ऑब्वियसली एन लॉग एन। तो देखो बनाने में एन और डिलीट करने में एन लॉग एन, तो टोटल टाइम मेरा ये हो गया। लेकिन इन दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन सी है? एन लॉग एन। तो ऑब्वियसली मैं डोमिनेटिंग टर्म को लिख दूंगा एन लॉग एन। सो दिस इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ हीप सॉर्ट इन ऑल द केसेस। आप जो मर्जी केस ले लो, बेस्ट केस, एवरेज केस, वर्स्ट केस, आपको नॉर्मली बोल देते हैं हीप सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एन लॉग एन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, वट एवर केस यू टेक। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि वाई इट इज इन प्लेस एंड वाई इट इज अनस्टेबल। इन प्लेस का तो मैं अभी बता ही देता हूं, इन प्लेस का मतलब क्या है कि ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस लेता है इन सब कामों को करने के लिए, क्या कोई एक्स्ट्रा स्पेस एक्वायर करता है? नहीं, ये कोई एक्स्ट्रा स्पेस एक्वायर नहीं करता, वट एवर स्पेस इज एलोकेटेड उसी में ही ये क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सो दैट्स वाई इट इज नोन एज इन प्लेस। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पर वाई इट इज अनस्टेबल। लेट सी why heap sort इज अनस्टेबल। तो अनस्टेबल और स्टेबल का एक्चुअल में मतलब क्या होता है कि जो सिमिलर एलिमेंट्स है ना उनकी पोजीशन जो है वो चेंज ना हो। अगर स्टेबल होगा कोई भी एल्गोरिदम तो सिमिलर एलिमेंट्स की पोजीशन, जो रिलेटिव पोजीशन है, वो चेंज नहीं होगी। अनस्टेबल का मतलब है कि उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। लेट से ये मेरे पास वैल्यूज दे रखी हैं, कीज दे रखी हैं। अब यहां पे आपको दिख रहा होगा कि 3 3 3, ये देखो 3 बार मैंने रिपीट किया हुआ है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पे ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। क्या चेंज कर रहा हूं? जैसे ये 2 है, 6 है, इन तीनों को मैं डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पे लिख देता हूं, लेट से ए बी एंड सी। है ये सेम ही, 3 तो 3 ही रहेगा ना, बट जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ए बी और सी इस तरीके से लिख दिया ताकि आपको पता लग जाए। अब देखो अगर मैं इसको स्टेबल बोलूंगा, स्टेबल मैं इसको कब बोलूंगा? जब 3A, 3B और 3C मतलब इसी ऑर्डर में रहेंगे, अगर इनकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं होती
तब ये स्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि लेट से 3A पीछे हो गया, 3B आगे आ गया, या 3C आगे आ गया, कुछ भी, मतलब इनकी पोजीशन अगर चेंज हो जाती है तब कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो अनस्टेबल। तो ये एक्चुअल में क्या है, हीप सॉर्ट अनस्टेबल है। ऑल्दो इसको हम प्रोग्रामिंग में अगर इंप्लीमेंट कर रहे हैं तो फिर हम कहीं ना कहीं इसको बना सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट अगर आपको कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम कहीं पे भी पूछ लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट आपको इसको अनस्टेबल ही बोलना है। देखो यहां पे लेट से मैं सबसे पहले वही सेम मेथड यूज कर रहा हूं, 2 आ गया, 6 आ गया, यहां पे मैंने इसको 3A सबसे पहले हम ही बना लेते हैं, 4 आ गया, 4 के बाद यहां पे 3B लेट से, और फिर यहां पे क्या आ गया, 7 आ गया, और यहां पे लेट से 3C आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको क्या कर रहा हूं, इसको मुझे अगेन सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करते टाइम मुझे ध्यान रखना है कि इनकी पोजीशन चेंज हो रही है नहीं, ये चेक करना है। तो सॉर्ट करने के लिए लेट से मैं सबसे पहले क्या कर लेता हूं, इसको मैंने इस तरीके से जो है वो बना दिया। अब मैं चेक करता हूं कि क्या ये मिन हीप है, नहीं ये मिन हीप नहीं है। तो मिन हीप बनाने के लिए मैंने किया क्या, 3B को ऊपर ले गया, 6 को नीचे ले आया। ठीक है, तो 2 मेरा एज इट इज रहेगा, ये 3B आ गया, और ये 3A एज इट इज रहेगा, यहां पे 4 एज इट इज रहेगा, ये 6 जो है वो नीचे आ गया, ये 7 एज इट इज रहेगा, और ये 3C एज इट इज रहेगा। नाउ इट इज व्हाट, मिन हीप। ठीक है ना, इन दोनों को चेंज किया, नाउ इट इज व्हाट, मिन हीप। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको हीप सॉर्ट लगा रहा हूं, मतलब एक एक करके एलिमेंट्स को डिलीट कर रहा हूं। तो सबसे पहले 2 को डिलीट किया, अगर मैंने 2 को डिलीट किया तो ऑब्वियसली यहां से ये हट गया, तो राइट मोस्ट एलिमेंट लोएस्ट लेवल वाला कौन सा है, 3C, तो 3C जो है वो ऊपर चला गया, 3C अब ऊपर आ गया। ठीक है, अब मैंने क्या किया, चेक किया कि क्या ये सेट है, हाँ ये अभी भी सेट है, हीप सॉर्ट के अकॉर्डिंग फिट है। तो अब मैंने क्या करना है, यहां से 3C को हटा देना है, 3C मैंने यहां से हटा दिया, राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा है, 7 को मैं ऊपर ले गया। ठीक है ना, मैं जानबूझ के यहीं पे कर रहा हूं, आप बैक कर लेना इन केस अगर आपको दोबारा से चेक करना है। तो राइट मोस्ट एलिमेंट जो है नीचे वाले में 7 था, वो मैं ऊपर ले गया। क्या ये अब हीप, नहीं अभी ये गड़बड़ है, तो मैं इसको सेट करने के लिए क्या करूंगा, 3B को ऊपर ले जाता हूं, 7 को, आप किसी को भी लेके जा सकते हो, चाहे A को ले जाओ, क्योंकि ये 3 है तो सेम ही। तो लेट से मैं 3B को ऊपर ले गया और 7 को नीचे ले आया, 3A एज इट इज, और फिर उसके बाद 4 और ये 6। क्या ये अभी भी सेट है, नहीं अभी ये सेट नहीं है, 4 को ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, और 7 को नीचे ले आते हैं, नाउ इट इज ओके। ठीक है, अब फिर मैंने क्या किया, 3B को डिलीट किया और राइट मोस्ट एलिमेंट कौन सा था, 6, इसको मैं ऊपर ले गया। वैसे तो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं हीप सॉर्ट कैसे वर्क करता है, यहां तक करके ही आपको समझ आ जाना चाहिए। देखो 2 के बाद क्या आया, 3C के बाद क्या आ गया, 3B। इनपुट देखो क्या थी, 2, 6, 3A, 3B, 3C, पहले A था, फिर B था, और फिर C था। तो आउटपुट में भी इसी ऑर्डर में आना चाहिए, पहले A, फिर B और C, लेकिन देखो पहले क्या आ गया, C, फिर आ गया क्या, B, ऑब्वियसली इसके बाद क्या आएगा, A ही आएगा। ठीक है ना, 3 वाला ही आएगा। तो देखो इनकी पोजीशन जो है वो क्या हो गई, चेंज हो गई। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉट एट वर्क, मतलब आपको इससे ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है, हीप सॉर्ट तो आपको करना आ ही गया, तो आप इसको सिंपली लिख दो, 3A के बाद ऑब्वियसली क्या आएगा, 4 आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो आपको क्लियर कट दिख रहा है कि इनकी पोजीशन चेंज होगी, सो दैट्स व्हाई इट इज व्हाट, अनस्टेबल। तो ईच एंड एवरी पॉइंट गाइज हीप सॉर्ट का मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, थैंक यू।